सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपका कि आपने मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए हैं। और ऐसे मेरी वीडियोस आती रहेंगी, आप उन पे अपना प्यार दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, और वीडियो पे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। गाइस, मैं रेडी हूँ। आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, उसके पास एक राइडिंग जैकेट है, तो मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि हाँ यूज़ करने के लिए ले ले। फिर आज मैं जा रहा हूँ ना गाइस, इतनी सही लोकेशन है ना, वो मतलब बहुत प्यारी लोकेशन है, आप एक बार देखना उनको। मौसम बिल्कुल क्लियर है, आज धूप निकली हुई है, हिमाचल का मौसम अभी ऐसा चला है, कुछ टाइम बाद तो यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, बर्फ हो जाएगी। तो गाइज, मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कुछ ऐसा है, ये हेलमेट और स्ट्रैप का रिव्यू तो आप देख चुके हैं, लेकिन मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मेरा फुल हेलमेट मोटो ब्लॉग सेटअप के करके। इसमें आपको सब कुछ, कैमरा से कैसे सेट करना है, इसके एक्सटेंशन, स्ट्रैप, हेलमेट सब कुछ बताऊंगा उसमें। तो गाइस, ये है कुछ हमारे घर में ऑर्गेनिक खेती, बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिकली तैयार करते हैं गाइस। देखो, मिर्ची भी है, मतलब ज़्यादा वो नहीं है कि मार्केट से खरीद के लाएंगे, ऐसा कुछ है। इस देखिएगा, जैसे हम विलेज में रहते हैं तो विलेज में एक सीन होता है कि अगर आप ना चाहो तो अपने खाने जितनी सब्जियां ना घर पे तैयार कर सकते हो बहुत आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। हिमाचल में अब ना सुबह और शाम ठंड होगी, मतलब कांगड़ में तो ठंड होगी, अब सुबह और शाम को आपको अगर निकल रहे हो ना तो जैकेट डालनी पड़ रही है। धूप में आप निकल सकते हो ऐसे, लेकिन सुबह शाम नहीं निकल सकते। अपनी बाइक है जिसे लेके आज हम जाएंगे, मतलब मेरे मोटो ब्लॉग जो होंगे इसी बाइक के ऊपर आएंगे सारे, तो इस बाइक का भी मैं आपको रिव्यू दूंगा। रेडी हूँ निकलने के लिए। तो गाइज, मैं घर से निकल गया और ये लोकेशन मेरे घर से कुछ 6 किलोमीटर्स के बाद आती है, और आप जैसा कि देख सकते हैं चारों तरफ बस हरियाली है, तरह तरह के पेड़ हैं, और मतलब एक सुकून भरा इलाका बोल सकते हैं, एक सुकून भरा रास्ता, शांति, कोई ट्रैफिक नहीं है इतना ज़्यादा, आराम से चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ से जो व्यू दिखता है ना, मतलब दोनों साइड, लेफ़्ट और राइट, दोनों साइड बहुत सही व्यू दिखता है। और अभी भी देख लो, लोकेशन इतनी सही लग रही है ना देखने में, मतलब मज़ा आ रहा है। देख लो, इस साइड भी वही बहुत सही व्यू आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से मतलब जो व्यू दिखता है वो अल्टीमेट दिखता है। और अभी मैं जा रहा था अपने दोस्त के घर, तो फिर अभी दोस्त के घर जाके मैं उससे हेलमेट और राइडिंग जैकेट लेता हूँ, और फिर आपको मिलता हूँ। तब तक आप मेरी राइडिंग इंजॉय करिए। निकल चुका हूँ गाइज, और कुछ ऐसी लोकेशन पे रुका हूँ अभी जंगल में, ऐसा कुछ रास्ता जाता है ये। गाइज, फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं, और ये राइडिंग जैकेट आ गई है, मैं पहन के दिखाता हूं आपको एक बार। ऐसा कुछ है इसका, सही है, मतलब ऐसी कुछ लगती है पहन के, ये ऐसी कुछ इसके ग्राफिक्स हैं। तो फाइनली मैं घर आ गया हूं, और ये राइडिंग जैकेट भी आ गई है मेरे साथ। तो फिर सेफ्टी गियर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रोड, खासकर पहाड़ी इलाकों में तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो गाइज, फाइनली कुछ ऐसा सेटअप है, मैं फुल हेलमेट लगा के दिखाता हूँ कैसे लग रहा हूँ, अब कमेंट करके बताना कि ये सेटअप कैसा लग रहा है।
सो गाइज आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू अगेन फॉर माय 100 सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच गाइज, बहुत मोटिवेशन आती है इससे। थैंक यू, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।